हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बनाने वाले हैं नारियल का तेल। कैसे ये ऑर्गेनिक बनाते हैं वही हमको देखना है, कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे करते हैं। एक एक स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले मैंने ये जितनी भी नारियल थी 5 या 6 वो चॉप कर लिया। देन आप इसको वॉश कर लेना। अब आती है बारी इसे ग्राइंड करने की। तो बड़ा सा जार ले लेना, मिक्सी आपके पास जो भी मिक्सी बोल है वो ले लेना, लेकिन बड़ा होना चाहिए। कि मैंने नारियल का पानी ही दे दिया थोड़ा सा क्वांटिटी आफ्टर पेस्ट। अब एक मलमल का कपड़ा या सूती का कपड़ा ले लीजिए कोई भी, और ऐसे ही वो नारियल का पानी को क्वीज करना, अच्छे से क्वीज करना, नहीं तो एक्स्ट्रा पानी वहाँ पर रह जाती है, बाद में आपको पता चलता है। अब एक अच्छा सा कपड़ा लेंगे तो ज़ोर से दबाने में आपको ही प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एक अच्छा सा सूती का कपड़ा यूज़ करें। फाइनली रेडी हुआ है हमारा कोकोनट मिल्क, और ये एक्स्ट्रा वो स्टार्च है जो हमने यहाँ से ही दूध निकाला है। अब कितना थिक आया है ये देख लो। अब इसे अच्छे से ढककर हमें 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए इसे फ्रिज में रखना है, और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मलाई सा जम गया है दूध के ऊपर। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे हटा रही हूँ, और इसी मलाई को हम पैन में ले लेंगे। बहुत धीमे धीमे से लेना, ओके। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप मेरी तरह से दूध और मलाई को अलग कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो, वरना ये आप डायरेक्ट पैन में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दूध और मलाई दोनों अलग हो चुकी है। अब ये जो मलाई है यही हमें पैन पे चढ़ाना है। पहले गैस ऑन मत करना, जिसको चढ़ाना उसके बाद गैस ऑन करना, वो भी लो फ्लेम में, ओके। और आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आसपास में जितने भी हैं बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब आपका कोकोनट ऑयल आने लगी है। देखो भाई, ऑर्गेनिक है तो थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, 5 या 6 नारियल से ज़्यादा तेल तो नहीं होगा। आप ज़्यादा बनाइए भी मत, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिए, उसके बाद फिर बनाइए। देख रहे हैं आसपास में कितने सारे तेल आ रहे हैं, 10 मिनट में ये सारा का सारा तेल आ जाएगी। फाइनली आ गई हमारी तेल, इससे ज़्यादा जलाना मत। अब इसे हम और एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तेल अभी गर्म है तो डायरेक्ट हाथ से ना गिरे, ऐसे ही करके जितना हो सके उतना ले ले। उसके बाद एक मलबल का या सूती का कपड़ा लीजिए, और जैसे मिल्क को निकाला था वैसे ही प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, तो देख लेना झट से हो जाएगा। ये रहा मेरा फाइनली तेल, और यही वो मलबल का कपड़ा मैंने जो पहले दूध यूज़ किया था वही सूख के रेडी हो चुका है, क्योंकि वो तो कल नहीं किया था ना, तो यही वो कपड़ा है जिससे मैं ऐसे करके एक्स्ट्रा तेल को ले रही हूँ। और ये सावधानी से करना क्योंकि ये बहुत गर्म है, अगर हो सके तो बाद में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत तेल आपको कम मिलेगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ये रहा मेरा फाइनली ऑयल, और इसे अच्छे से यूज़ कीजिए, अच्छे से चम्पी कीजिए, जितने भी हेयर प्रॉब्लम्स है आपकी वो धीरे धीरे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब ऑर्गेनिक ऑयल का एक येलो सा कलर देखिए, और जितने भी बाज़ार मार्केट में मिलते हैं उसका कलर देख लीजिए। और ये मैं गर्म नहीं, दूसरे दिन में यूज़ कर रही थी, ये ठंडा ही था। फाइनली मैं इसे यूज़ करके दिखा रही हूँ, मैं जितने भी सारे प्रॉब्लम है आपकी यार के सब चले जाएंगे।
थैंक यू सो मच 2K सब्सक्राइबर, इसीलिए मैं थोड़ी बहुत वेट कर रही थी। थैंक यू छोटा सा चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं और भी ऑर्गेनिक वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।